तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सारी कार्स का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। एंड हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इन सारी कार्स के कोड से लेके स्पीड एंड टाइमिंग तक। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पार्क कर रखी है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सारी कार्स। अच्छा हाँ, एंड हम इन सारी कार्स को सेम ही ट्रैक में वन बाय वन इनकी टॉप स्पीड पे ड्राइव करेंगे, वो भी बिना एक्सेलरेटर छोड़े एंड बिना ब्रेक दबाए, जिससे हम लोग इन सारी कार्स का टॉप स्पीड अचीव कर सके। एंड हम इन सारी कार्स का ही टाइम नोट करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि इनमें से ज्यादा फास्टेस्ट कार कौन है जो सेम ही ट्रैक को अपनी टॉप स्पीड पे सबसे कम टाइम पे क्रॉस करेगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली कार है हमारी फॉर्च्यूनर कार। तो हम सबसे पहले इसी का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। एंड इसकी कोड की बात किया जाए तो अगर हम यहाँ पे डायल करते हैं 1000, तो हमारे सामने आ जाएगी हमारी फॉर्च्यूनर कार, जिसका मैंने कलर इस समय ग्रीन रखा हुआ है। मगर क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो चलो हम अपनी फॉर्च्यूनर कार को स्पीड टेस्ट ट्रैक पे लेके जाते हैं। ओके तो हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। तो हम अपने से स्टार्टिंग पॉइंट से ही एक्सेलरेशन स्टार्ट कर देंगे एंड अपनी टॉप स्पीड पे ही बने रहेंगे। तो चलो टाइमर करते हैं स्टार्ट एंड गो। बाय द वे तुम लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस कर सकते हो कि मैंने अभी तक कहीं पर भी एक्सेलरेटर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। दैट्स मीन अभी हम चल रहे हैं फॉर्च्यूनर की बिल्कुल टॉप स्पीड पे एंड हम इस पूरे ट्रैक पे ब्रेक को तो टच तक नहीं करेंगे जब तक हम अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर लेते। तो तब तक तुम लोग इस फॉर्च्यूनर का पूरे स्पीड टेस्ट का गेम प्ले एंजॉय करो। एंड बस हम फिनिश लाइन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए एंड दैट्स इट। तो हमारी इस फॉर्च्यूनर ने इस पूरे ट्रैक को कवर करने में टोटल टाइम लिया है 59 सेकंड। तो ये स्कोर कहां पे रैंक करता है ये तो हम लोग को सारी कार्स का स्पीड टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब लेके आते हैं ट्रैक पे नेक्स्ट कार को। तो नेक्स्ट कार हमारी होने वाली है रोल्स रॉयस। इसके साथ भी हम लोग बिल्कुल सेम ही तरीके से सारे टेस्ट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टाइमर एंड गो। ओ भाई, शायद तुम लोग भी ये बात नोटिस कर पा रहे होगे कि रोल्स रॉयस की स्पीड सच में काफी फास्ट है एंड इसी वजह से इसे कंट्रोल करना भी इजी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम इस समय रोल्स रॉयस की सबसे ज्यादा टॉप स्पीड पे। बट मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल टॉप स्पीड वाले स्मूथ ड्राइविंग गेम प्ले कर सकूं। सो लेट्स सी रोल्स रॉयस इस पूरे ट्रैक को कितने टाइम में क्रॉस करती है। एंड आई थिंक बस ये कंप्लीट हो गया एंड दैट्स इट। तो रोल्स रॉयस ने उसी सेम ट्रैक को अपनी टॉप स्पीड में कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 43 सेकंड्स में। एंड हाँ, बाय द वे रोल्स रॉयस का कोड था 2000। तो नेक्स्ट कार है हमारे लैम्बोर्गिनी, जिसका कोड है 4x3। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं अपने ट्रैक पे एंड देखते हैं इसी सेम ट्रैक को लैम्बोर्गिनी अपने टॉप स्पीड में कितने टाइम में कंप्लीट करती है। सो स्टार्ट। भाई लैम्बोर्गिनी ने तो बस कुछ ही सेकंड में काफी ज्यादा ट्रैक कवर कर लिया एंड ये बस खत्म। तो लैम्बोर्गिनी ने उसी सेम ट्रैक को खत्म किया जस्ट 41 सेकंड्स में। बट एनीवेज चलो अब लेके आते हैं अपने नेक्स्ट कार को। तो नेक्स्ट कार हमारी होने वाली है बुगाटी एंड इसका कोड है 4x4। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं टाइमर एंड लेट्स गो। We'll be right back.
भाई बुगाटे ने भी जस्ट 43 सेकंड्स में ही पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, एंड ऐसा क्यों हुआ कि कार्स की स्पीड सेम है? ये चीज मैंने इंडियन बैटरी 3 के डेवलपर से भी पूछी एंड उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो हम लोग सारी कार्स के रिजल्ट के टाइम ही देखेंगे। Okay. तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कार की जो कि है रेंज रोवर एंड इसी कोड की बात क्या जाए तो इसका कोड है 4x6। बट चलो अब सीधा टाइम में स्टार्ट करते हैं। एंड इसने भी कंप्लीट किया जस्ट 43 सेकंड्स में एंड मैंने इसीलिए बुगाटी वाले टाइम बोला था कि आखिर इसका टाइम भी क्यों सेम है। बुगाटी एंड रेंज रोवर दोनों की टाइमिंग सेम हो चुकी है, दोनों ने ही अपना अपना ट्रैक 43 सेकंड में ही क्रॉस किया है। बट इन सब चीजों के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में कंक्लूजन में इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कार का स्पीड टेस्ट जो की है थार। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इसकी भी टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। फिनिश लाइन की डिस्टेंस देख के तो मुझे लग रहा है कहीं ये फिर से 43 पे ही ना रुके एंड भाई ये क्या हो गया। सो अगेन एक और कार ने कंप्लीट किया इस पूरे ट्रैक को 43 सेकंड्स में। अगला एपिसोड। सो अब है ये हमारी वैगनार कार, इसका भी स्पीड टेस्ट होगा भाई। पागल है क्या? तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं टाइमर को। फाइनली इसने कंप्लीट कर लिया इस पूरे ट्रैक को। इतनी खुशी है मुझे। एंड इसके टाइमिंग की बात किया जाए, ओ भाई 1:03। तो चलो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो फोर्थ पोजीशन पे आती है हमारी वैगनार कार जिसका टोटल टाइम है 1:03। एंड थर्ड नंबर पे आती है फॉर्च्यूनर कार एंड सेकंड नंबर पे आती है हमारी चार कार रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, बुगाटी एंड थार। इन तीनों ने ही ट्रैक को कंप्लीट किया है जस्ट 43 सेकंड्स में। एंड ये चीज देखने के बाद जब मैंने रोहित गेमिंग स्टूडियो से ये क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्यों कुछ कार्स की स्पीड बिल्कुल सेम है तो उन्होंने बताया सिर्फ कुछ व्हीकल्स की स्पीड अलग है बाकी सबकी एक जैसी है। तो एनीवेज एंड हां फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी लैम्बोर्गिनी कार जिसने इन सारी कार्स में से सबसे ज्यादा कम टाइम में इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट किया है जस्ट 41 सेकंड्स में। सो दैट्स मीन इंडियन बैकग्राउंड थ्री की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार है लैम्बोर्गिनी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में थोड़ा सा मजा आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।